Hello everyone, welcome or welcome back on this channel. If you are new here, hi, my name is Sayali. I post ukulele tutorials, music covers and musical comedy videos on this channel. So if you are interested, then make sure you subscribe on my channel because subscription is completely free. So don't worry. And let's dive into today's video without a further ado. आज हम सीखेंगे कैसी है ये रुत की, जिसमें सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है मूवी इज एन अमेजिंग सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल. सो इस सॉन्ग को एक्चुअली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला जो पार्ट है वो इंट्रो और कहीं बीच में आएगा, विच इज बेसिकली अ फिंगर पिकिंग पैटर्न जो हम उस पार्ट में प्ले करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज रेस्ट ऑफ द सॉन्ग. लेट्स गेट स्टार्टेड. आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम, यस. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूकुलेली लो एंड मेक श्योर इट इज ट्यून्ड. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके नाखून कटे हुए रहने चाहिए, बिकॉज अगर ये कटे हुए नहीं रहेंगे तो आपको कॉर्ड्स होल्ड करने में दिक्कत होगी. सो मेक श्योर योर नेल्स आर चॉप्ड. लेट मी जस्ट फर्स्ट गो थ्रू ऑल द कॉर्ड्स जो हम यूज करने वाले हैं. फर्स्ट कॉर्ड इज सी कॉर्ड, एंड टू प्ले सी कॉर्ड यू हैव टू पुट योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज ए माइनर कॉर्ड. ए माइनर को बजाने के लिए मिडिल फिंगर रखना है सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे. नेक्स्ट इज एफ कॉर्ड. एफ कॉर्ड को बजाने के लिए आपको रखना है मिडिल फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग और इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. दैट्स एफ कॉर्ड. इसके बाद है जी कॉर्ड. जी कॉर्ड को बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर रखना है ऑन सेकेंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, इंडेक्स फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. इसके बाद हमें लगेगा डी कॉर्ड. डी कॉर्ड को बजाने के लिए आपको आपके जो तीन फिंगर है वो रखने हैं ऑन सेकेंड फ्रेट. बट कैसे रखने हैं? मिडिल फिंगर सबसे ऊपर आएगा ऑन सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, रिंग फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड पिंकी फिंगर ऑन सेकेंड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग. दैट्स डी कॉर्ड. और एक कॉर्ड लगेगा, वो है सी सिक्स कॉर्ड, विच इज जस्ट दिस. कुछ नहीं रखना है यहाँ पे, फ्रेट पे उंगलियां नहीं रखनी है. जस्ट ओपन, यू हैव टू प्ले ऑल द स्ट्रिंग्स ओपन. दैट इज सी सिक्स कॉर्ड. एंड द लास्ट कॉर्ड इज एफ माइनर कॉर्ड. ये एकदम नया कॉर्ड है, ठीक है, संभाल के बजाना. एंड वी आर गोइंग टू यूज पिंकी फिंगर, और पिंकी फिंगर सबसे वीक रहता है व्हेन यू ट्राई टू होल्ड अ स्ट्रिंग. सो अ लिटिल बिट स्ट्रगल होगा, ठीक है. तो हमें रखना है इंडेक्स फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग एंड इंडेक्स फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग. अच्छे से दबाना पड़ेगा स्ट्रिंग को, एंड दिस विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल. सो कीप दैट इन माइंड इफ यू आर अ कम्प्लीट बिगिनर. अगेन दूसरा चीज क्या होता है बताए, मिडिल फिंगर और पिंकी फिंगर में ना एक फ्रेट का गैप पड़ जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड टू होल्ड. आई डोंट नो, लाइक फॉर सम रीजन आई फाइंड इट ऑकवर्ड टू होल्ड. दीज वर द कॉर्ड्स. और आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा स्ट्रमिंग पैटर्न भी सीख लेते हैं. चलो फिर लेट्स डाइव इन टू द स्ट्रमिंग पैटर्न. The strumming pattern we are going to use is down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. All right? इस strumming pattern को दो parts में divide कर लो. हालांकि almost most of the songs में ये standard strumming pattern है. बहुत सारे song you can play with the strumming pattern. और हमने already काफी सारे songs play किए हैं. So won't be an issue if you are following along from a long time though. But if you are new, डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक. इस स्ट्रमिंग पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो. पहला डाउन डाउन अप, सेकेंड अप डाउन अप. सो जस्ट प्ले फर्स्ट पार्ट. डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप. आर यू फॉलोइंग? डाउन डाउन अप. एंड देन प्ले सेकेंड पार्ट. अप डाउन अप, अप डाउन अप, अप डाउन अप. एंड नाउ मर्ज बोथ the parts. Down, down, up,
गया स्ट्रमिंग पैटर्न, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल. ओ बाय द वे, एक और चीज, सिंपल डाउन स्ट्रम भी हमें लगने वाला है कुछ कुछ जगह पे सॉन्ग में, सो कीप दैट इन माइंड. लेट्स मूव अहेड टू द सॉन्ग. व्हाट वाज दैट? आई डोंट इवन नो. ओके, लेट्स डू द सॉन्ग नाउ. सायरी वा डिले. तो इंट्रो पार्ट जो है सॉन्ग का वो कुछ इस तरह है. अभी इसे कैसे बजाएंगे, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द एंटायर प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन इट टू यू. तो एक्चुअली मैंने फिंगर पिकिंग, इसको फिंगर पिकिंग बोलते हैं एंड देर इज अ फिंगर पिकिंग पैटर्न जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच दैट. बट अगर नहीं देखा तो भी चलेगा, मैं इन शॉर्ट बेसिक्स बता देती हूँ क्या है. तो हमें बजाने हैं नीचे के तीन स्ट्रिंग इसमें, ठीक है, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट स्ट्रिंग. अभी इसमें होगा क्या कि हमारा जो थंब है दैट विल बी इन चार्ज ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, मीनिंग कि आपको थर्ड स्ट्रिंग सिर्फ थंब यूज करके ही बजाना है. ऐसे यहाँ पे दूसरा कोई फिंगर नहीं आएगा, सिर्फ थंब ही आएगा और थंब से ही थर्ड स्ट्रिंग बजेगा. देन सेकेंड स्ट्रिंग जो है उसे आपको बजाना है विथ इंडेक्स फिंगर. सो इंडेक्स फिंगर इज गोइंग टू बी इन चार्ज ऑफ दिस स्ट्रिंग, दूसरा कोई भी फिंगर वहां नहीं आएगा. एंड मिडिल फिंगर विल बी इन चार्ज ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग. तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ मिडिल फिंगर से ही बजेगा. तो थंब थर्ड स्ट्रिंग, इंडेक्स इज इन चार्ज ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग and middle finger is in charge of first string. All right, इतना समझ में आया. उसके बाद हमें करना क्या है, जो song का intro का पहला part है उसमें होगा क्या, आपको strings बजाने हैं और मैं अभी string के number बोल रही हूँ, तो string के number सुन के strings बजाना try करो. पहले आएगा third string, then second string, then first string, then second string. इतना समझा? 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 ऐसे सुनाई देगा. और लास्ट पार्ट जो है उसमें करना क्या है, आपको इंडेक्स फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग प्लग करना है, बट आपको रिंग फिंगर जो है वो थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे रखना है और फिर प्लग करना है. ये लास्ट पार्ट हुआ. एंड इफ यू प्ले इट ऑल टुगेदर, 3 2 1 2 रिंग फिंगर रख दिया थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे और सेकेंड स्ट्रिंग प्लग किया. सो 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 ये हो गया इंट्रो पार्ट. इफ यू हैव लर्न्ड अप टू दिस देन थम्स अप, हाई फाइव, पैट योर बैक. Congratulations, you have got through the intro part. Now, let's go ahead and learn rest of the song. So, starting intro, do baar baja ke hoga. Iske baad song start hoga. Song is starting with C chord. Simple down strum karna hai starting mein. Kaisi hai ye. Switch to A minor, simple down strum. Rut ke jisme. F chord, simple down strum. Phool ban ke. G chord and down strum. Na khile. Again, आपको यही chord progression repeat करना है. C, A minor, F, G. आगे का जो line है उसमें. तो पूरा part देखते हैं कैसे आता है. कैसी है ये रुत के जिसमे फूल बन के न खिले, खुल रहे हैं रंग सारे, खुल रही है खुशबूएं. Got it? Good job. आगे का जो पार्ट है वहां से एक्चुअल स्ट्रमिंग पैटर्न चालू होगा. डाउन डाउन अप अप डाउन अप. सो होल्ड F chord, start the strumming pattern and start आगे का जो song है वो, मतलब song का part जो है वो. चांदनी झरने घटाए गीत बारिश तितलियां.
now you have to switch to F minor chord. तो F minor को switch करने के लिए आपको pinky finger रखना है third fret first string और आपको ये दोनों finger भी हटाने पड़ेंगे from F to F minor. Index finger on fourth string and middle finger on second string. इतना पार्ट एफ माइनर में आएगा देन स्विच टू सी सब मेहरबान अगेन बैक टू स्टार्टिंग का जो पार्ट है सॉन्ग का कैसी है ये सी कॉर्ड पे बजाया ए माइनर रुत के जिसमें स्विच टू एफ फूल बनके स्विच टू एफ माइनर फ्लो बता दे रही हूँ एंड में पूरा सॉन्ग बजा के दिखाती हूँ नाउ मूविंग ऑन टू द वर्स पार्ट ऑफ द सॉन्ग होल्ड सी कॉर्ड देखो नदी के स्विच टू जी कॉर्ड किनारे बंछी स्विच टू एफ पुकारे पुकारे का जो एंड का पार्ट है वो डी पे आएगा ए किसी पंछी Switch to C. Same chord progression जो है C, G, F, D and C आगे के दो लाइन पे फॉलो होगा तो आगे की दो लाइन कैसे बजेगी देखो देखो ये जो नदी है ना समझ में आया इसके बाद एक लाइन आता है ये प्यार का ही सारा है कारवां उसमें करना क्या है आपको एफ माइनर बजाना है ये प्यार का ही सारा है स्विच टू सी That simple and that easy and आगे का chorus का part फिर से चालू होगा कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बनके दिल खिले Now let's go through the entire song. I'm going to play it for you. अगर आपको जम रहा है chord switching और समझ में आ गया है chords का flow, chord progression का flow, then try to play with me. चांदनी झरने घटाए गीत बाए
यू कैन एंड सॉन्ग लाइक दिस या फिर आप पूरा आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करके फिर एंड कर सकते हो एज पर यू वॉन्ट. और देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे किसी पंछी को, मेरे यहाँ पे कौवा पुकार रहा है किसी कौवे को. आई एम सो सॉरी अगर ये कौवे की आवाज़ इस वीडियो में आई हो, वाइल आई वॉज सिंगिंग, सॉरी, आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई जस्ट can't do anything about it. Alright, so that's it for this video. I hope you enjoyed it. And if you did, then make sure you hit the like. Subscribe kar do yaar channel ko and comment karo. You got the drill. Thank you so much once again for watching this video. And I'll see you guys in the next video. Until we meet, love and positive vibes. Bye!